और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल हाइलाइट्स क्वार्टर टू FY 25 नंबर्स के फ्रंट पर ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे, और की हाइलाइट्स अकॉर्डिंग टू यू क्या रहे इस क्वार्टर में? रिजल्ट्स जो हम लोगों ने आज डिक्लेयर किए हैं, मैं ये कहता हूँ कि यू कहूँगा कि रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो डिसबर्समेंट में हमारा सिक्वेंशियली 12% का ग्रोथ आया है। इस क्वार्टर में हमने 16,467 करोड़ के लोन वितरित किए हैं, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,665 करोड़ थे। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, Q1 और Q2 के बीच की बात करूं, तो लगभग 27% का बिजनेस ग्रोथ है। तो हम बिजनेस ग्रोथ दर्शाने में सफल हुए हैं। हाँ, AUM की बात करूं, क्योंकि हमारा बेस बहुत बड़ा है, लगभग 2,90,000 करोड़ का हमारा AUM बेस है, तो ग्रोथ इन AUM थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। हालांकि इस क्वार्टर के अंत पर हमारा AUM ग्रोथ 6% का है, पिछले क्वार्टर पे 4.5% था, तो करीबन इस एक क्वार्टर में 1.5% का AUM में इजाफा हुआ है। सो बाय एंड लार्ज जो हमारा जो ट्रैजेक्टरी है, जो हमारा हमारी दिशा है, मैं समझता हूँ ठीक है। आने वाले Q3 और Q4 हमेशा से पूरी इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी बिजनेस के पायदान पे अच्छे क्वार्टर्स होते हैं, तो जो फ्यूचर आउटलुक है वो फेवरेबल है, मैं यूँ कहूँगा। राइट सर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर जानना चाहेंगे इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कर सके? एसेट क्वालिटी में प्रत्येक क्वार्टर, हर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस क्वार्टर में भी हमारा एसेट क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अगर मैं GNPA रेशियो की बात करूं, गत क्वार्टर के अंत पर हमारे GNPA रेशियो 3.3% था, जो कि इस क्वार्टर में 25 बेसिस पॉइंट्स घट करके 3.06% रहा है। टोटल अगर मैं Stage 3 बुक की बात करूं, तो Stage 3 का बुक हमारा Q2 मतलब ये अभी 30 सितंबर को लगभग 9,005 करोड़ का है, जो कि पिछले साल क्वार्टर के एंड में यानी कि जून क्वार्टर के एंड में 9,512 करोड़ का था। तो 507 करोड़ का Stage 3 NPAs में रिडक्शन आया है। प्रोविजंस की बात करूं, तो प्रोविजन हमारा ये 30 सितंबर के अंत तक 54,058 करोड़ का प्रोविजन है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंत में 5,670 करोड़ का था, अब 5,458 करोड़ का है, यानी कि प्रोविजन में भी 212 करोड़ की गिरावट आई है। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी में परफॉर्मेंस अच्छा है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले Q3 और Q4 में इस एसेट क्वालिटी में और सुधार और निखार आए। राइट सर, सर अभी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है और हम देख रहे हैं, यहाँ पर जानना चाहेंगे ग्रोथ इन लोन बुक आप कैसे देख रहे हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो आप डिमांड ट्रेंड ये फेस्टिवल सीजन में कैसे देख रहे हैं? डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, ये ट्रेडिशनली जो फेस्टिव सीजन रहता है या त्योहारों का जो ये समय रहता है, ये हमेशा से इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी एक हाई ग्रोथ पीरियड रहता है। खास तौर पे दिवाली धनतेरस के आसपास डिमांड काफ़ी रहती है। सो इस साल भी सेम ट्रेंड नज़र आ रहा है, और Q3 में मैं आशान्वित हूँ इस फेस्टिव सीजन के ग्रोथ और ओवरऑल जो मार्केट का माहौल है, उसकी वजह से हम एक अच्छा ग्रोथ दर्शा पाएंगे। और जो हमने साल की शुरुआत में AUM ग्रोथ का एक आकलन दिया था कि हमारा AUM ग्रोथ इस साल डबल डिजिट में रहेगा, मैं समझता हूँ कि उसकी ओर हम लोग जरूर अग्रसरित होंगे। राइट तो सर, AUM के फ्रंट पर तो आपने बात की, बट अगर गाइडेंस के टर्म्स पर AUM जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 आप कैसे देख रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इसके लिए? मैंने जैसे कि कहा कि मेरा क्योंकि मेरा AUM बेस बहुत बड़ा है, 2,90,000 करोड़ का AUM है, तो बहुत हाई ग्रोथ जो कि शायद इंडस्ट्री ग्रोथ हो, क्योंकि इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो मेरे से हम सबसे बड़े प्लेयर हम हैं। 2,90,000 करोड़ का ग्रोथ हमारा है, जो अगली बड़ी कंपनी है वो करीबन 90,000 करोड़ पे है, तो उनके साथ तुलना करना तो
वाजिब नहीं होगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक हम AUM में डबल डिजिट ग्रोथ अवश्य देंगे। ओके सर, रिसेंटली जो एक नया लॉन्चिंग है कंपनी का, गृह सुविधा होम लोन्स, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे। नंबर्स के फ्रंट पर हम बाद में इसका एक रिएक्शन देखेंगे, बट ओवरऑल इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि करीबन हम लोगों ने 20-25 दिन पहले लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट जो है ये अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए है, और अफोर्डेबल सेगमेंट में भी ये स्पेसिफिकली फोकस्ड है, ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। क्योंकि जो ट्रेडिशनली हम लोग जो हाउसिंग लोन देते थे वो हम नौकरी पेशे वाले लोगों को देते थे, उन लोगों को देते थे जिनकी सिविल स्कोर काफ़ी हाई रहती थी, अच्छी होती थी, उन लोगों को देते थे जिनकी इनकम डॉक्यूमेंटेड होती थी, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न्स हो चाहे सैलरी स्लिप्स हो। तो ये हमारे ट्रेडिशनल लेंडिंग बेस हुआ करता था। इस बार कॉन्शियसली हम लोगों ने ये अफोर्डेबल सेगमेंट यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में प्रवेश किया है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत पोटेंशियल सेगमेंट है, क्योंकि अगर हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की बात करें तो लगभग मैं समझता हूँ 85 से 85% कस्टमर्स इस सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार वाले सेगमेंट में आते हैं। तो बहुत आवश्यक था हमारा इस सेगमेंट में आना है और इस आना और इसी वजह से ये हम इस सेगमेंट में आए हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि ये सेगमेंट, ये अफोर्डेबल सेगमेंट, अफोर्डेबल सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट, ये मार्जिन्स के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा हाई मार्जिन हाई यील्डिंग सेगमेंट होता है। तो इन कारणों से हमने इस सेगमेंट में प्रवेश करने का निर्णय लिया और ये गृह सुगम प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया। जी, और सर आगे जानना चाहेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के फ्रंट पर एक गाइडेंस की H2 एंड FY25 में आप कैसे देख रहे हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस समय एट द एंड ऑफ क्यू हाफ ईयर ऑफ Q2 हाफ या Q2 के एंड पे हमारा है 2.73%। हाँ, अगर मैं पिछले क्वार्टर से तुलना करूँ तो थोड़ा सा 3 पैसे की गिरावट आई है, 3 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। पिछले क्वार्टर में ये 2.76% था, पर मैं समझता हूँ ये 2.73% आई थिंक ये लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। साल की शुरुआत में हम लोगों ने क्लियरली कहा था कि हमारा इस साल नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.7 और 2.9 के रेंज के अंदर ही रहेगा, और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि हम इस रेंज को मेंटेन कर पाएंगे आने वाले समय Q3 और Q4 में। मैं समझता हूँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में इजाफा आएगा, बहुत बड़ा इजाफा नहीं होगा पर डेफिनेटली 2.73 से ये आगे बढ़कर के ये आगे बढ़ेगा, ज़्यादा होगा 2.73 से। राइट सर, लास्टली जानना चाहेंगे बाकी काफ़ी डिटेल्स आपने नंबर्स के फ्रंट पर शेयर किए, बट ओवरऑल अगर फर्दर क्वार्टर आप कैसे देख रहे हैं, इसके टर्म्स पर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा, इसके पहले ही मैंने कहा कि पूरे वित्तीय वर्ष में हमारा जो गाइडेंस है और जो गोल है कि AUM में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में हम डबल डिजिट में ग्रोथ लाएं, ठीक है, उसके लिए हम लोग मैं समझता हूँ कि ट्रेजेक्टरी या हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, वो हम अचीव कर पाएंगे। जहाँ तक निम्स की मैंने गाइडेंस की बात की, 2.7 to 2.9 वो मैं बरकरार हूँ, वो हम अचीव कर लेंगे। जहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात करूँ तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। इस समय हमारा GNPA रेशियो 3.06 है, मैं चाहूँगा कि ये 2.5 से लेकर के 2.75 के बीच में हमारा GNPA रेशियो रहे। तो यही गाइडेंस है आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए। राइट सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की है, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।